कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। सरकार डायलॉग से चल रही है और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। जब एक ही अधिकारी के पास सब कुछ होगा, आखिरकार सूचना क्यों रोक रहा है कोई? जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी ये सरकार, सोचती है डायलॉग से किसी को सता के नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है। और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी डबल एंड ट्रिपल मर्डर हो चुका है अमेठी में, अमेठी में, इलाहाबाद में, और जगह से भी सूचना उत्तर प्रदेश में आती है। आखिरकार सरकार जिस तरीके से डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर करेगी? क्या इनकाउंटर यही है? और फिर मैंने सदन में कहा कि सरकार को टॉप 10, टॉप 100 सूची माफियाओं की जारी करनी चाहिए। सरकार ये जब कहती है मिट्टी में मिला देंगे, तो टॉप 10, टॉप 100 की सूची जारी करने में सरकार को क्या दिक्कत है? सवाल ये नहीं है, सवाल डायलॉग पे चल रही है सरकार। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही हो, क्या उम्मीद करो कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ये वो अधिकारी हैं जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं।